কুয়া সব ধুলির দিক আরো বেশি কপালাই কত चैनल कैसे हैं आप सब। सो आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ। सो टाइटल देखकर आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं कहीं जा रही हूँ, इसीलिए आज बहुत दिनों के बाद शूट किया है मैंने। सो बीच में बहुत दिन ब्रेक हो गया है। सो अभी मैंने सोचा था कि घर से ही ब्लॉग करूँ, पर ऐसा नहीं होता है कि पूरा फटाफट होना पड़ा रेडी और उसके बाद मतलब ब्लॉग करूँगी सोचते सोचते ही मोबाइल उठा ही नहीं पाई कि ये काम करना पड़ेगा वो काम करना पड़ेगा, ऐसा हो गया था। सो कुछ भी ब्लॉग नहीं किया घर पे। सो जस्ट आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग अंधेरे जब अंधेरा था ना तभी निकल आए थे घर से, और अभी तो पूरा उजाला हो गया है। और लेकिन यहाँ पे पूरा फॉग सा वेदर है। अभी हम लोग पहुँचे हैं, कहाँ है ये, कौन जगह, दूधनोई ऐसा कुछ पार किया है हमने। सो अभी हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं, जैसे कि ये रहा, और चाय पीने के लिए हम लोग रुके हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोग से बात भी कर लूँ। पीछे मम्मी हैं और पापा नीचे उतरे हैं, और यहाँ पे हस्बैंड जी। सो हम लोग जा रहे हैं धुबरी, वहाँ पे मेरा मामा का घर है, मतलब सब मेरा रिलेटिव धुबरी में ही है। सो मम्मी लोग का घर वहाँ पे है। सो हम लोग इसीलिए जा रहे हैं, कुछ रीज़न है इसीलिए जा। सो धुबरी किस रीज़न से जा रहे हैं हम लोग, वो आप लोग के साथ मैं बाद में शेयर करने वाली हूँ। सो अभी वो नहीं बताऊँगी, जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं। सो हम लोग अभी गुवाहाटी से धुबरी तक का जो सफ़र है जर्नी, सो वो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ इस वाले ब्लॉग में। और ये सब ब्लॉग ना धीरे धीरे जाएगा। सो आज है 31 जनवरी, हाँ 31 जनवरी है। सो संडे अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल आए हैं 4:30 के बाद। सो ऐसा निकल आए थे हम लोग। सो अभी हम लोग जाएंगे, जा रहे हैं, रास्ते पे हैं। सो इसीलिए चाय पी रहे हैं, बाकी नाश्ता वगैरह सब कुछ लेके आए हैं, वो सब हम लोग करेंगे रास्ते में ही। तो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, और अभी जर्नी आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। प्राची यहाँ पे सो रही है मेरी गोदी पे, और फटाफट से पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग से फिर से बात करूंगी। और बने रहिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए व्हाइट हो रहा है। सो अभी हम लोग एक जगह पे रुके हैं, वहाँ पे कितना सुंदर व्यू है देखिए। सो अभी ना हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, गाड़ी पे ही कर लेंगे। सो सब कुछ हम लोग लेके आए हैं, जैसे अभी प्राची सो ही रही है।
तो सब कुछ लेके आए हैं। जैसे जस्ट अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। आप लोग को भी दिखाती हूँ क्या क्या लाया है हमने। और वहाँ पे एकदम नीचे गए हस्बैंड जी देखने के लिए, जगह बहुत अच्छा है। सो गाड़ी में बैठ के ही खाना हो रहा है। पायस बनाया है, रोटी और बॉयल चना, जैसे बूढ़ी भाजी बनाते हैं ना ऐसे। सो ये सब हम लोग का ये बना के लाए हैं, मम्मी बनाई है। निकल के हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं और अभी धूप निकला है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही धूप निकला है, देख सकते हैं। सो और अभी हम लोग हैं अभी भी गाड़ी पे, तो अभी और जाएंगे तो और अभी और 3 घंटा लग जाएगा हम लोग को पहुँचते। तो ऐसे ही जा रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। हम लोग अभी तक मतलब गए नहीं है,
शादी के बाद मैं मतलब गई नहीं हूँ अभी तक, तो शादी के पहले तो गई थी, पर शादी के बाद ना मतलब हस्बैंड जी को लेके वहाँ पे कभी नहीं गई। बाकी मौसी के घर में गई भी थी तो उनका घर थोड़ा सा दूर है तो इसलिए नहीं गए। तो इस बार मुझे खास करके बोला गया वहाँ पे इस बार जाने के लिए, तो मैं वहाँ पे जाऊँगी हस्बैंड जी को लेके। तो ऐसा ही है, तो मौसी के घर जाएंगे, उसके बाद फिर मैं कल शाम तक फिर आ जाऊँगी मामा के घर। तो चलिए मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करने ही वाली हूँ। तो अभी तक हम लोग गुवाहाटी से निकल गए हैं अर्ली मॉर्निंग, 4:30 बजे निकल गए थे और अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं। सो ऐसा ही है, चलिए। सो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं गोरीपुर, और उसके बाद अभी हम लोग जाएंगे मेरी मौसी के घर, वो अलग मतलब रोड पे जाता है। सो ऐसा ही है, फ़ोन किया था सबने तो वही है, बुला रहे हैं सब लोग कब आ रहे हो कब आ रहे हो, ऐसा है। और वहाँ पे नज़ारा देखिए, गांव आने से बहुत मज़ा लग जाता है एकदम। तो ऐसे ही है, चलिए चलते रहते हैं। और मम्मी पापा को पीछे आप लोग नहीं देख पाएंगे अभी, क्योंकि वो लोग निकल गए हैं मतलब उतर गए हैं गाड़ी से, वो लोग जाएंगे मामा का घर। तो हम लोग अभी अलग रोड से जा रहे हैं और मम्मी लोग अलग रोड से जा रहे हैं। अगर हम लोग जाएं तो मम्मी लोग को छोड़ के हम लोग फिर जाने से मतलब इवनिंग हो जाएगा, तो और 1-2 घंटा लग जाएगा। सो मम्मी ने बोला कि नहीं चाहिए, तुम लोग इधर से जाओ, हम लोग उधर से जाते हैं, एक गाड़ी पकड़ेंगे और हो जाएगा फिर, क्योंकि हम लोग कल आने ही वाले हैं और मम्मी लोग का वहाँ पे बहुत सारा काम है, इसीलिए हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं। और इसीलिए मम्मी लोग को वहाँ पे रास्ते पे उतार दिया, वो लोग जस्ट पहुँच जाएंगे थोड़ी देर पे, तो वो लोग एक गाड़ी से निकल जाएंगे और हम लोग यहाँ से अभी मौसी के घर जा रहे हैं। और मौसी का लड़का जो है ना, मतलब मेरी छोटी मासी का लड़का, तो वो है रास्ते पे वहाँ पे खड़ा है, तो इसीलिए हम लोग अभी निकल गए हैं। तो अभी हम लोग मम्मी लोग को छोड़ के अभी मौसी के वहाँ पे जा रहे हैं। सो यही है अभी तक का अपडेट। और प्राची को थोड़ा सा वोमिटिंग हो गया था तो वो सो रही है मेरी गोदी में, तो इसीलिए मैं अभी उससे आपको नहीं मिला रही हूँ, मेरी गोदी में सो रही है। और हस्बैंड जी यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, सो बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह लेके सोच लीजिए आप लोग 5 बजे से लेके अभी 12:42 हो रहा है, गाड़ी चला रहा है नॉन स्टॉप, जस्ट हम लोग 2-3 बारी रुके हैं तो इसीलिए, और अंधेरा आ रहा है क्या। सो यही बात है अभी तक का अपडेट। तो चलिए मिलूंगी अभी मौसी का घर पे, हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे मिलूंगी। और एक बात, और एक बात मैं आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग गांव आए हैं, तो रीज़न है इसीलिए आए हैं क्योंकि गांव हम लोग का आना नहीं होता है ऐसे, बहुत दूर पड़ता है ना, 7 आवर्स या 8 आवर्स ऐसे लग जाता है, तो आना नहीं होता है इतना ईजीली, क्योंकि आने से लंबा छुट्टी भी चाहिए, ऑफिस का काम में छुट्टी भी नहीं मिल रहा है हस्बैंड जी को, तो इस प्रोसेस में हम लोग चलते हैं। जानते ही होंगे कि नौकरी करने का क्या होता है, छुट्टी इतना जल्दी नहीं मिलता है ना, क्योंकि काम को भी संभालना है, घर भी संभालना है, उसके बाद हम लोग आना भी पड़ेगा यहाँ पे। तो आज बहुत हम लोग शायद बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, और कारण है ये कि मैं अभी नहीं बताना चाहती थी पर मैं सोच रही हूँ कि बता ही दूँ, क्योंकि हम लोग गांव आए हैं, एक बड़ा रीज़न है, मेरा भाई है था मतलब मेरा छोटा, तो वो 20 साल की उम्र में मतलब वो अगले साल फरवरी 2020 को 2 तारीख को वो उसका डेट हो चुका है, सो उसके लिए ही हम लोग आए हैं गांव, मतलब गांव पे कल परसों उसका श्राद्ध है 1 ईयर का, तो इसी वजह से हम लोग आए हैं। मम्मी लोग था पीछे तब, और मम्मी का सामने मैं ये बात बताना नहीं चाह रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था,
तो अभी मम्मी लोग नहीं है, इसीलिए मैं आप लोग को यहाँ पे बता रही हूँ कि आप लोग सोचोगे कि क्यों आए हैं हम लोग गाँव। तो गाँव आने का रीज़न सबसे बड़ा ही है कि परसों मेरा भाई का मतलब डेट होने का 1 साल हो जाएगा, तो उसके लिए एक श्राद्ध है, उसके वजह से ही हम लोग आए हैं गांव में। और इसीलिए और ये बात मैं अभी तक आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है मैंने, जो भी मेरे नए मुझे देखते हैं उन लोगों को पता नहीं होगा, पर जो मुझे पहले से जानते हैं तो ऐसा भी आदमी है कि मुझे पहले से जानते हैं और फ्रेंड्स रह चुका है या फिर फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव, तो उन लोगों को तो पता ही है कि मेरा भाई का डेट हो चुका है अगले साल उसी दिन को 2 तारीख को, तो उसके वजह से ही हम लोग आज आए हैं। उसका मतलब मैं तब जो हुआ था ना श्राद्ध, उसमें मैं नहीं आ पाई क्योंकि बहुत फटाफट से हो गया था सब कुछ और उस टाइम प्राची बहुत छोटी थी, तो इस साल इसीलिए मतलब इस साल मतलब नहीं मतलब साल गिरा है तो इसमें मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मेरा खुद का भाई है तो कुछ नियम होता है, इसीलिए मैं आई हूँ। और अभी हम लोग देखिए गांव बहुत दिनों के बाद आए हैं तो उसका मज़ा नहीं इतना उठाऊंगी क्योंकि अभी मज़े में नहीं आए हैं हम लोग। एक्चुअली हम लोग बहुत बड़ा एक काम करने के लिए आए हैं, पर बहुत दिन आए हैं तो देखिए कुछ हो गया है तो अभी वो उसको हम लोग बदल नहीं पाएंगे, पर अभी यहाँ पे रो के मम्मी लोग के सामने तो मम्मी का सामने मैं नहीं रोना चाहती इसीलिए और वो सब नहीं कर रही हूँ, तो यही है रीज़न। इसीलिए मम्मी लोग था तब मम्मी पापा तो उनके सामने मैं नहीं बोल रही थी कि किस लिए आए हैं हम लोग गांव में, तो मैंने सुबह नहीं बताया, अभी आप लोग को बता रही हूँ। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है हम लोग गांव इसीलिए आए हैं। और अभी मौसी के घर जा रहे हैं, कल मामा का घर में जाएंगे, मामा के घर में ही होगा साथ, तो वहाँ पे सब लोग आएंगे, तो परसों होगा साथ और कल शाम को हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और मेरा सहेली एक है गांव का, उसका भी शादी है कल रात को, तो उससे उधर भी मतलब मैं गांव आ ही रही हूँ तो अटेंड करना भी पड़ेगा, तो देखती हूँ क्या होता है कल का, कल देखा जाएगा। अभी तक तो मैं जानती हूँ कि मुझे अभी मौसी के घर जाना है। और यही था गुवाहाटी से लेके मतलब हालाकुड़ा धुबरी तक मतलब हम लोग का जो सफ़र यही है, तो उन लोग के घर जाके मिलती हूँ। तो यही था मेरा मुझे आप लोग के साथ शेयर करना बताना, तो वीडियो कितना लॉन्ग हो जाएगा पता नहीं, और ब्लॉग करने का वो मतलब नहीं है कि अटेंशन लेना, तो आए हैं इतना दूर और सबको मुझे जो जो देखते हैं जस्ट उनके लिए ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि उन लोग को कुछ मालूम पड़ेगा और कुछ मतलब नया देखने को भी मिलेगा, तो इसी वजह से ब्लॉग कर रही हूँ। बाकी कुछ मैटर नहीं है कि कुछ सब्सक्राइबर वो करने के लिए ग्रोथ करने के लिए ब्लॉग बना रही हूँ, ये नहीं, क्योंकि ये दिन मैं अभी कैप्चर करके रखूँगी तो रह जाएगा, इसीलिए भी कर रही हूँ। तो यही है, यहाँ पर प्राची सो रही है और हस्बैंड जी गाड़ी चला रहे हैं, मम्मी पापा चले गए हैं, वो लोग भी पहुँच जाएंगे, हम लोग भी पहुँच जाएंगे, उन लोगों के साथ कल मीट हो जाएगा फिर से। और अभी चलिए भाई है वहाँ पे तो उसको उसके साथ डायरेक्ट दिखा मतलब मीट करते हैं, उन लोगों के घर चलते हैं। चलिए थोड़ा सा स्वीट्स और नमकीन ले लिया है तो मासी लोग का घर में लेके जाने के लिए। So, अभी हालाकुड़ा से मैं फिर से बात कर रही हूँ और अभी पहले आप लोगों ने देखा ना दो लड़का साइकिल से जा रहा है, तो वहाँ पे जो है लंबा करके वो वाला मतलब दो साइकिल में एक भाई है मौसी का बड़ा लड़का है, तो वो लोग हमें अभी रास्ता दिखा रहे हैं कि यहाँ से चलो, तो ऐसा ही है। तो मौसी के घर हम लोग पहुँचने वाले हैं और एकदम गांव
बहुत अच्छा लगता है मुझे गाँव, आई लव इट। बहुत दिनों के बाद गाँव आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है गाँव देखने में, मुझे बहुत पसंद है गाँव, मतलब उन लोग का जो एरिया है बहुत अच्छा लगता है। चलिए मौसी के साथ मैं आपसे फिर दिखाती हूँ।